श्रीकाल दोस्तों, वालेकुम, की हाल है जी? एक सेकंड, अब मेरे चूहा फड़े है जी। वेलकम खुशहाल दी, स्वागत प्रीत बानी रिएक्ट ते। यार मेरा ना चूहा फड़ गया सी, मैं क्या चूहा कर दे। मैं क्या हुन आज वीडियो जड़ी असी लेके आए हैं ना, वो चिक भाई है वो ना चूहे फड़ता, ओनू बुला लो फिर। मैं क्या हुन साडे घर भी कोई इदा दा बंदा होना चाहिए जो चूहे फड़े, हुन मैं ओनू तो नहीं बुला सकता। तो घर के बंदे चूहे फड़नगे ना, घर का बंदा मदद नहीं करेगा तो बाहर के हेल्प करेंगे आके। तो चूहा अपने घरों ही फड़ाओ। तो अज की वीडियो लेके आए जी उस्ताद कमर 27,000 चूहे पकड़ने वाला वायरल लड़का। ओहो, 27,000 चूहे फड़ ले ने। फादर खुशी से झूम उठे। 27,000 चूहे मतलब 13,000 नका है ना, डबल डबल हो गया ना, इस नक दा इस नक। उन्हें असली चूहे फड़े जनाब। तो भाजी को बहुत टैलेंट है, भाजी को बहुत ऑर्डर ने, बहुत रिक्वेस्टा ने, उन्होंने मुल्कों तो कॉल आदि ने। तो इंटरव्यू देखते हैं, बिकॉज काफ़ी वायरल चल रहे हैं भाजी अच्कल। तो दूजे पास वीडियो का रिएक्शन करते हैं जी, तो देखते हैं कि गल्बात बातें की ने, कितों इन्होंने काम सीखा, तो कितने कितने तक पहुंच चुके हैं इस काम करके। दूजे पास मिलते हैं। तो आओ जी, लगाया हुआ है जो डॉक्टर जिसे चेक करते हैं ना, तो आप चूहे का क्या चेक करते हैं? ये जो प्रेग्नेंट चूही होती है उसको नहीं मारते, प्रेग्नेंट चूही नहीं मारते बाबा। ये क्या है? स्टैंप लगाता हूँ, जहाँ जाता हूँ ना वहाँ स्टैंप लगा के साइन कर देता हूँ कि मैं आया था, चूहे मार गए सारे सारे चूहे मार गए जनाब। ये गुब्बारा था, ये नाक के साथ फुलाता हूँ, ये देख ले, फिर ऐसे इसको यहाँ रखना है, फिर ऐसे। टैलेंट भाई साहब। टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और शाहरुख खान ने अपनी एक मूवी में कहा था कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद कमर, ये चूहों के स्पेशलिस्ट हैं। कहीं भी इनको चूहे नजर आ जाएं तो ये उनको पकड़ते हैं। अगर किसी को चूहे नजर नहीं आ रहे, बस चूहे सिर्फ तंग करी जा रहे हैं, तो वहां पे ये जाते हैं और अपनी खास कोई टेक्निक लगा के उन चूहों को पकड़ लेते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र है। कितनी एज है आपकी? 18 साल। 18 साल की उम्र है आपकी, और कितने ज्यादा चूहे आपने पकड़ लिया? मैंने तकरीबन 27,000 पकड़ लिया है। क्या मतलब, लोग कोई और चीज पकड़ते हैं, कोई कुछ कोई और काम करता है, आप चूहे पकड़ने लग गए हैं, ये क्या बात है? हर बंदे का अपना अपना काम होता है, ये मेरा काम चूहे पकड़ने वाला है। सही है, सही है। मैं लोगों को बताते चलूं कि ये इनकी गाड़ी है उस्ताद कमर, और पूरा इनका नाम लिखा हुआ है, राबता नंबर लिखा हुआ है, और अभी ये फैसलाबाद से आए हैं। पूरी इन्होंने पीछे फ्लेक्स लगाई हुई है कि कहीं भी कोई भी बंदा देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये वही उस्ताद है जो चूहे पकड़ते हैं। चूहे वाला जा रहा है जी। मैं हैरान हो रही हूँ इस बात पे कि ये इन्होंने लगाया हुआ है जो डॉक्टर जिसे चेक करते हैं ना, तो आप इससे चूहे का क्या चेक करते हैं? ये जो प्रेग्नेंट चूही होती है उसको नहीं मारते, प्रेग्नेंट चूही। कितने दिल वाले बंदे ने, प्रेग्नेंट चूही नहीं मारते, पूरा पहले चेक करते हैं उसके बाद मारते हैं। जी, प्रेग्नेंट चूही नहीं मैं मारता। वाह 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 भाई, क्या एहसास बंदा है। ये क्या वजह है, मतलब चूहा तो चूहा हराम ही है ना, खैर है फिर। चूहे बच्चे देने वाले होते हैं, उनके बच्चे का फायदा होता है। बच्चा रख लेता है। जैसे बड़े होंगे वैसे ही, जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे फिर घर वाले देखेंगे ये तो घर में चूहे आ गए, फिर मुझसे रास्ता करेंगे, मैं घर जाऊंगा। सही तरीके से खेल रहे हैं और खेल रहे हैं वाकई। अच्छा मुझे बताएं कि अभी गाड़ी आपने स्टार्ट की हुई है फुल, आप खुद भी रेडी हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? मुझे किसी भाई का लाहौर से फोन आया था, भाईजान घर में चूहे मारने हैं, उसके घर है लाहौर। घर के हम आगे आ गए। उससे पहले मुझे ये बताएं कि एक चूहे पकड़ने के और उसको मारने के कितने पैसे लेते हैं आप? पहले तो मेरे 60 रुपए थे एक चूहे मारने का, अब मैंने नए साल का नया रेट 100 रुपया किया है। लाहौर से फोन आया था भाई मीडिया वाले का, कह रहे थे नए साल का नया रेट भाईजान कर दे, मैंने 100 रुपया कर दिया है। कभी सोचा है कि सिर्फ पाकिस्तान के चूहे ने इंटरनेशनल लेवल पे भी, अगर कोई यूके, लंदन, अमेरिका, सऊदी, दुबई बुलाता है तो वहाँ पे जाके उनके भी चूहे मारूंगा? काफी जगह से कॉलें आ रही हैं, काफी ज्यादा कॉलिंग आ रही हैं, मैंने तो नाम भी नहीं थे सोने मुल्कों के, जहाँ जहाँ से फोन आ रहे हैं मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि मतलब माइंड में कैसे आया, स्टार्ट कैसे किया था आपने? मैं एक दिन गया था कनक वाले गोदाम में, ठीक है, वहाँ से 3 दिन हो गए थे, भाई कह रहा कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कनक की बोरी रोज ही खराब होती है, कनक नीचे गिरती है। अच्छा। कह रहा कि मैंने गोलियों में डाली है वो भी फेल, पिंजरे भी लगाए वो भी फेल। मैंने कहा आपने इतना कुछ किया है, 2 दिन मैं आके देख लूँ। कह रहे कि आप आ जाए। मैं फिर गया था वहाँ, मैंने 3 दिन लगाए थे, खिड़कियाँ लगाई थी मैंने अपनी 25 लगाई थी, 25 खिड़कियाँ लगाई थी, तो चूहे तकरीबन 125 आ गए थे 3 दिन में।
कमीशन अच्छा खासा लिया होगा जी। उन्होंने खोची तो 10,000 रुपया दिया था मुझे। अच्छा मुझे बताएं क्या टेक्निक है आपकी? कुड़कियां तो हर कोई लगा लेता होता है लेकिन चूहे नहीं मरते हैं फिर भी आ जाते हैं, कैसे पकड़ लेते हैं चूहे? कौन सा साजो सामान आपने रखा हुआ है? लोगों को कुड़की लगाने का नहीं पता, चूहा आता है रोटी खा के चला जाता है। जैसे मैं कुड़की लगाता हूँ आता है तो पकड़ा जाता है। सामान आपका कुछ बड़ा हुआ है, जरा इसको देखते हैं हम किसमें क्या क्या कुछ है। तो ये आप पकड़े ना, मैं इसको खोल के लोगों को दिखाऊंगी कि भाई लोग देखो सास आपने क्या क्या रखा भाई। ये टेप रखी हुई आपने, इसका क्या सीन है? टेप चुपाने उसको जोड़ देते हैं। क्या करे? चूहे को जोड़ते हैं कैसे? इसके साथ चूहा टूट जाए तो जोड़ देते हैं। ये क्या है? ये स्टैंप लगाता हूँ जहाँ जाता हूँ ना वहाँ स्टैंप लगा के साइन कर देता हूँ कि मैं आया था, चूहे मर गए सारे। ये क्या है? ये पेपर्स भी रखे हुए हैं। ये गुब्बारा था। अच्छा। ये नाक के साथ फुलाता हूँ। फुला के दिखाएं जरा। दिखाता हूँ आपको। अभी फुलाएं, अभी फुलाएं। ये मुझे पकड़ा। ये पकड़ लें आप। ये देख लें फिर। ऐसे इसको यहाँ रखना है फिर ऐसे। वाह वाह वाह। और थोड़ा सा और करें। दोबारा फिर फुलाऊं। हाँ। ये देख लें। दो कट्ठे फुलाओ। वाह वाह। इनके नाक से गैस आ रही है पूरी। गुब्बारा ऐसे फूलता जा रहा है जैसे सिलेंडर से फूल रहे हैं, फुला रहे हैं। बाकी नाक से गैस आ रही है और सीधा नाक के अंदर से दिमाग जाता। मैडम टेंशन ना लेकर जाएगा तो मैं निकाल लूं। मैं बाकी चीजें देखूं बाकी। और मैं देख रही हूँ इन्होंने प्रॉपर एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें शायद ये लोगों के नाम वगैरह लिखते हैं। ये चूहों के नाम पता एड्रेस और सब कुछ लिखते हैं जिन्हों जिन्हों मारता। अच्छा जी ये देखो प्रॉपर इन्होंने नाम नंबर अहवाल पता नहीं गुलाम मोहम्मद आबाद इस्लामाबाद के भी चूहे पकड़े हैं आपने। हाँ जी क्यों? मम्मी डैडी चूहे भी पकड़े हैं इन्होंने। आपके सामने ही है देख लें। अच्छा कुड़की कौन सी है आपके पास वो जरा दिखाएं के दिखाऊं आपको। हाँ। ये मैं संभाल के रखता हूँ। गंदी होंगी ना ये तो? नहीं होंगी, ये साफ ही है। धोते हो बाद में मारने के बाद? केमिकल लगा के धोता हूँ। वाह क्या बात जी जी। ये देखें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पता नहीं को कितनी कुड़कियां इन्होंने रखी हुई हैं। अच्छा बताएं ट्रिक क्या है इसकी? बताने लगा हूं। ये देखें ये कुड़की ऐसे लोग कैसे लगाते हैं कुड़की? कोई पैर आके लगाता है कोई कैसे? मैं हाथ के साथ लगाता हूँ। अच्छा जी लोग लगाते हैं ऐसे। ये देखें ऐसे देख के डर लग रहा है। सुई आ गई इसकी। ये देखें चूहा आएगा रोटी खा के निकल जाएगा। तरीका गलत है। आप तो सीधे हो जाए तुम नहीं लग रहा ना। ये देखें ये होगा चूहा आएगा और ऐसे आ जाएगा। फिर ये देखें इधर ऐसे भागेगा छूटेगा नहीं वो। वाह भाई वाह वाह। वो ऐसे रहेगा खिड़की के अंदर वो खिड़की को उठा उठा के भी मारेगा ऐसे ऐसे करके के मैं निकल जाऊँ। निकलेगा नहीं वो इसके अंदर ही रहेगा। पता नहीं होगा ना उस हाथ कमर के हाथ लग चुका हूँ। मुझे बताएं कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है आपका। एक दिन में कमा कितना लेते हैं? तकरीबन एक दिन में अगर एक घर से आर्डर आए तो तकरीबन 5,000 कमा लेते हैं। अगर कोई फैक्ट्री से आर्डर आए बेकरियों से आर्डर आए तो 5,000 रुपया। हर जगह से लोग आपको बुला रहे हैं? जी हर जगह से बुला रहे हैं। बल्ले लोगों ने डिग्री हासिल करके क्या किया? चूहे पकड़ने वाले बन जाते हैं। मुझे बताओ पढ़े लिखे हो? जी मैं 6th class पढ़ा हूँ। बाद में लॉकडाउन हो गया था फिर नहीं था मैं गया। आगे नहीं पढ़ा फिर? जी मैंने आगे नहीं पढ़ा फिर। अभी 6th class पढ़े हुए आप चूहों के डॉक्टर हैं? जी डॉक्टर नहीं है। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताएं आगे का क्या प्लान है, क्या करना है आगे? इंशाल्लाह तो टीम तैयार करेंगे। टीम के 3 बंदे तैयार करूंगा कार्यकार जो बिस्ती ना कराए मेरे। किसे चूहे पकड़े? कार्यकार बंदे तैयार करूंगा और उनको गाड़ी ब्रेक लैक दूंगा। कोई बात नहीं इतने पैसे आ जाएंगे? ये आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें जाएंगे वो 2019 मॉडल होगा या उससे भी ऊपर मॉडल होगा। उस गाड़ी में चूहे आ गए तो फिर? उस गाड़ी में आएंगे तो देख लेंगे। मेरे घर में तो चूहे का परछावा नहीं है। लोग कहते हैं उस्ताद जी आपके घर में? मैंने कहा कि मेरी गली में पूरी में एक चूहे का परछावा भी नहीं है जी। नहीं है यकीन है? वाकई चूहे पकड़ लेते हैं आप? आप जेबी में आपके पकड़ के दिखाऊं? अच्छा मुझे बताएं मैं कार्ड छुपाने का क्या मकसद था? तो मेरा एक भाई काम करता है शहर में। अच्छा जी। उस 11वां महीना था वो कह रहा कि मैं एक कार्ड का स्केच तैयार करा दूँ आपको। अच्छा। मैंने कहा करा दें। कह रहा क्या लिखना है? मैं कहा
लिखते हैं कमर चूहे मारने वाला, कमर नहीं लिखना, कहता कि आप उस्ताद हो। फिर आगे वो उसने फोन किया करना क्योंकि दम में मैं गया था आगे भी, वो कह रहे तुम उस्ताद हो तो उस्ताद लिखना है, अगर कमर लिखा तो अभी कार्ड पाड़ देना। उन्होंने उस्ताद कमर लिख के मैंने स्केच सेंड कर दिता है, तो नीचे मेरे घर का मतलब महल का एड्रेस लिख के सेंड कर दिता है। और फिर मेरे को आया स्केच, मैं फेसबुक पर अपलोड कर दिता बट टाइम तो मैं चला गया थी किसी का चूहे फड़न। और तो मैं आया थी छत बात, जिस वेले मैं आया तो मैं फोन उठाया, फोन तक घूमया पाया से कुछ वायरल हो पड़े थे, वायरल हो गया था, कार्ड वायरल मैं नहीं था, कार्ड वायरल था मैं नहीं था, मैंने था। मतलब पहले कार्ड वायरल था ना, मैं वायरल हूँ, दोनों वायरल हैं। वेरी गुड। चूहे पकड़ने वाले के जो वाले साहब है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसा लग रहा है आपके बच्चे का नाम इतना रोशन हो गया है, चूहे पकड़ पकड़ के ये ना खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान में चूहे सारे। जी माशाल्लाह, खुशी तो बहुत होती है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आपने सोचा था कि बच्चा बड़ा होकर चूहे मारेगा? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन ये है कि पहले तो काम ये बुरा लगता था, अब जब मीडिया के हाथ लगा है तो आप अच्छा लगने लगा। वाले सबको अच्छा करा देते हैं। वैसे कभी सोचा था कि मैं मतलब वो बेटा पैदा कर रहा हूँ जो बड़े होकर चूहे मारेगा? नहीं कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो है तो घर में फारग ही था, तो ये खोटा सिक्का अब चल गया। क्या बात है, जो कभी किसी काम करनी होता ना वही एंड पे आके चल जाता होता है। तो बरूने मुल्क से भी माशाल्लाह कॉलें आ रही हैं, सऊदी अरब से कॉलें आ रही हैं, दुबई से आ रही हैं, यूके से आ रही हैं, तो ऐसे ऑफरें भी हो रही हैं, वीज़े भी दे रहे हैं और सैलरी भी 3.5-4 लाख रुपया दे रहे हैं महीने की। मुझे ना कोई चूहों की फनी सी बात बताओ, क्योंकि आप तो चूहों में रहते हो, आपको पता होगा चूहों के बारे में। जी 100 बोरी उठाया ना कनक की, नीचे से आप जैसे चूहे निकलती है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पे ना तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे मुस्कुराते रहे, दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखो जी नवे तो नवी वीडियो मिल जाती है, नवे तो नवी दुनिया के काम हो रहे हैं, कोई भी काम छोटा वड्डा नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है। बट अज की दुनिया के असी सोचते कि जी रियल जॉब्स होंगे ये इंजीनियर्स दियां ने, डॉक्टर्स दियां होंदियां या वकील ही होंगे, यही मेन जी मेन स्ट्रीम जॉब्स कही जाए। बट अज के टाइम के इन्ना कुछ आ चुके है, हर बंदे ने अपना इन्ना कुछ डिफरेंट करियर बना लिया, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब इदा इदा के नाम है कि जिदा पहला बड़े लिमिटेड जो प्रोफेसन होंगे ना कि भाई ये काम करता बंदा, डॉक्टर है जी, वकील है जी, ये है जी, है ना फलाना ढिमकना। बट हुण यार इदा इदा दे आ गए ने जिहड़े पेशे आ गए ने जिहदे च लोगों ने अपने करियर बना ले। हुण चूहा फड़न वाला यार कोई मतलब कोई फड़ेगा किसी का बच्चा, वो माँ प्यो गाला कड़नगे, तो हुण वो बंदे ने देख लो अपना करियर बना लिया, वो उन्हें अपनी गड्डी दे पूरा बैनर बना के बिजनेस प्रमोट करके वो पूरा पाकिस्तान घूम रहा, तो चूहे फड़ रहे लोगों के, तो कि मतलब देख लो कि कितने कितने तक जनता पहुँच के अपना अपना जरिया बना लेंदी है इनकम का। रब ने जिदा जरिया जिथे लिखा वो बंदा कट ही लेंदा। एक पहला एक स्टोरी तुसी सुनी होगी, एक बंदा होंदा सी जिहड़ा बैकपाइप बजांदा सीगा, ते ओ की करदा सीगा सारे पिंड दे चूहे ना, ओ मतलब ओनू बड़ा ओ सीगा, दा सी तुसी सुनी होनी है ओ स्टोरी, कि ओ बड़ी ना सुरीली बांसुरी बजांदा सी, ओ सारे चूहे ओदे पिछे लग जांदे सी, मदहोश हो गया ना, ते भाई सारे पिंड वाले ने ओनू हायर कर लिया कि भाई इदां इदां करके साडे पिंड आ जा, ते तैनू फी चूहा असीं इन्ने इन्ने पैसे देवांगे, ते सारे चूहे कढ दे। तो उन्हें जी सारे चूहे वजाता वजाता लै गया, ती री 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 करता, तो उन्हें सारे लै गया तो समुद्र के कोल ले जाके उन्हें सारे उधर, चलो जी सारे चूहे अंदर निकल गए, तो मुड़ के की कहते हैं पिंडा वाले ने पूरे पैसे नहीं दिते, वो कहते नहीं बी हूँ उन्होंने हो गया चूहे तो चल गए, तो हूँ इन पूरे पैसे नहीं देने, इन अद्धे उद्धे पैसे दे के टरका दें। बट जो फिर उन्होंने पूरे पैसे नहीं दते, वो फिर अपनी बांसुरी लेके गया उसे टी डी 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 डी, उधरों फिर चूहे सारे वापस आ गए, वो फिर सारे शहर के लिया, कहता आ लो जी थोड़े चूहे तुहानू मुबारक, थोड़े पैसे तुहानू मुबारक। तो इदा की कहानी सी, तो बंदे को टैलेंट सी, तो अज के दिन अज के टाइम के भी इदा के लोग जमते ने। अच्छा बोलता हूँ ना मैं, बस खत्म हो गया मेरे को। मैं बस इस मुंडे की छोटा जा बच्चा है ना जिन्हें इतनी फेम मिल गई है ना, इतना पॉपुलर हो गया,
ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਕੋ ਬੰਦ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਤੇ, ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਲੂਨ ਫੁਲਾਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਠਹਿਰਾਵ ਔਰ ਸਾਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ, ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਗਾਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਕਮਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ, ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ 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 ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ। ਐਂਡ ਵਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਊਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਦਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।